सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग शूट कर रहे हैं बॉम्बे में समर सिंह जी के साथ, उनका गाना शूट कर रहे हैं, सुपर धमाल, मतलब फाड़ू सॉन्ग है। सच कहूं तो हम लोग फाड़ रहे हैं सब लोग मिलके, क्योंकि गाना इतना अच्छा है, उस गाने में इतनी एनर्जी है कि हम सुबह से शूट कर रहे हैं और अभी भी जब भी टेक हो रहा है, आपने देखा ही होगा, आप शायद अगर वीडियो में डाले आप, तो कि हम लोग ना इतना गाना बजते ही नाच लगता है, नाना 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 ना, मतलब फुल ऑन नाच रहे, तो बहुत मजा आ रहा है। तो कितना मस्ती हो रही है आप और समर जी की? वैसे हम, मैं मिली तो हूँ पहली बार उनसे, लेकिन मिलके लगा नहीं ऐसा कि पहली बार मिली हूँ। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, डाउन टू अर्थ हैं और काम करने में बहुत कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। कितने गाना किया अभी आप साथ में? आज हम दोनों ने दो गाने किए हैं और होपफुली शायद और जल्दी और गाने करें। कौन से म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुआ गाना? ये दोनों गाने टी सीरीज से आने वाले हैं। जैसे और मैं एक बात और बताऊं, इसी लोकेशन पे हमने पहले टी सीरीज का ही गाना शूट किया था मैंने, जिसका नाम था दिल दीवाना धड़के तोहरा प्यार में, अरे ओढ़नी जब से बांधे लगलो डाढ़ में। ये खेसारी जी का गाना था और ये गाना बहुत बहुत ज्यादा हिट हुआ था, मतलब आज भी लोगों को ये गाना बहुत पसंद आता है, लोग इस पर रील्स बनाते हैं। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि हम आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं और टी सीरीज के लिए गाना बना रहे हैं, गाना भी बहुत अच्छा है। और ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज इसे भी देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और रील्स बना के मुझे टैग करना मत भूलिएगा प्लीज। अभी आपने खेसारी जी का नाम लिया, तो अभी हाल ही में खेसारी जी को गाने के हिट होने के लिए समर जी ने, हाँ, और समर जी ने बधाई दिया था और दोनों लोग का सेम ड्रेस एक ही कलर में जी नजर आए एक दूसरे को बधाई देते हुए, क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही अच्छे सिंगर हैं, मैं समर जी से अभी मिली हूँ और खेसारी सर से तो ऑब्वियसली बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। खेसारी सर की अलग एनर्जी एक अलग ही रहती है हमेशा परफॉर्मेंस के वक्त, लेकिन आज भी गाना इतना अच्छा है, समर सिंह जी ने इतना अच्छा गाया है और भगवान करे ऐसे ही गाना सुपर डुपर हिट हो जाए। और बताइए, और आप नए साल में क्या क्या धमाल करने वाली हैं? नए साल में बहुत सारा धमाल होने वाला है, जैसे एक म्यूजिक अवार्ड शो आने वाला है जिसको आप लोग को पता ही होगा, फिल्म ची म्यूजिक अवार्ड, हमारे भोजपुरी में पहली बार म्यूजिक अवार्ड हो रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं कहूँ तो भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग ज़्यादातर, मुझे लगता है कि एज अ म्यूजिक इंडस्ट्री ज़्यादा जानते हैं, और पहली बार ये म्यूजिक अवार्ड शो हो रहा है, याशी फिल्म करा रहा है, मतलब मैं बोलूँ तो याशी फिल्म ही करा सकता था ये अवार्ड शो, क्योंकि उन लोग के अंदर एक है एक जज्बा कि हाँ भोजपुरी को हमें एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, एक अच्छा काम करना है। मैंने उनके साथ काम किया था, दुबई में भी हमने IBFA अवार्ड किया, उसमें भी उन्होंने मुझे एंकरिंग का मौका दिया था, मैंने पूरा रेड कार्पेट होस्ट किया, परफॉर्मेंस भी की वहाँ पे रितेश जी के साथ, वो भी हिट था, और इस बार भी खेसारी जी के साथ परफॉर्मेंस थी मेरी, अंकुश राजा जी के साथ परफॉर्मेंस थी और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ पे सारे के सारे दिग्गज कलाकार आए थे हमारे इंडस्ट्री के, और मेरे लिए सबसे खास मोमेंट था जब कुमार सानू जी गा रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी चीज़ तो याशी फिल्म ने ये दी है कि एक इतने बड़े कलाकार, इतने मतलब डाउन टू अर्थ कलाकार के मैं सामने बैठी थी, उनको सुन रही थी, ये मतलब मेरी खुश नसीबी है, मैं अपने आपको बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि अलका जी, कुमार सानू जी इतने प्यारा गाते हैं ये लोग, और सच में मतलब दिल खुश हो गया था सानू जी को सुन के जी। और फिल्मों की बात की जाए तो कौन कौन फिल्म में? तो बहुत सारी आने वाली और लगातार आ भी रही है। मेरी एक फिल्म जो अभी रिलीज हुई थी बेजुबान, अगर आप लोगों ने उसका ट्रेलर नहीं देखा है तो प्लीज एंटरटेन रंगीला पे जाइए और उसका ट्रेलर देखिए, इसका नाम है बेजुबान और फिल्म टीवी पे भी रिलीज हो चुकी है, बहुत ही प्यारी फिल्म है। मैं इसलिए इसको प्यारी फिल्म बोल रही हूँ क्योंकि बेजुबान हमने जो बनाई है वो एक बेजुबान जानवर पे ही बनाई है, जिसका जो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कनेक्टिंग है, इतना ज़्यादा इमोशनल फिल्म है कि मैं थोड़े से शॉर्ट देख रही थी क्योंकि मैं फिल्म नहीं देख पाई थी, मैं अवार्ड शो में थी, मेरे घर वालों ने मुझे उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के भेजे, तो लिटरली मुझे ना आंसू